रिडी का साई बाबा, उन्होंने पूछा क्या वो भगवान है? आप अगर ये पूछते ना कि क्या वो आदमी भी था पूरा, तो मुझे हंसी नहीं आती, लेकिन डायरेक्ट ही भगवान। थोड़ा सा इस चीज को समझें। आपने किसी जैन मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति देखी, किसी बौद्ध मठ में, किसी सिख गुरुद्वारे में, उसकी छोड़िए किसी चर्च में साईं बाबा की मूर्ति देखी, अरे उसको छोड़िए किसी मस्जिद में उसका कैलेंडर भी देखा, केवल हिंदुओं के मंदिर में साईं बाबा की मूर्तियां कह कह करके बिठाई जाती है, पैसा दे दे करके। अब ये बीमारी क्या, आप जरा थोड़ा समझे। साईं बाबा कौन था? सरासर झूठा प्रचार। और मैं जो आपको बात बता रहा हूं बिल्कुल प्रमाणिक, जो साईं बाबा ने खुद ने लिखवाई। उनका चेला था गोविंद रघुनाथ राव दाभोलकर, जिसको वो हेमा पंडित बोलते थे, वो सेवा में रहता था, पढ़ा लिखा था। उसको कह करके बाबा ने अपनी जीवनी लिखवाई, पूरी पुस्तक लिखवाई, जिसका नाम है साई सच्चरित्र, जिसको शिरडी साई संस्थान ने प्रकाशित किया। उसमें बिल्कुल जो बातें मैं आपको बता देता हूं, अपनी ओर से मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बिल्कुल प्रमाणिक। साई बाबा भगवान था कि नहीं आपको समझ में आ जाएगा। ये आदमी अफगानिस्तान का पिंडारी मुसलमान था, इसके बाप का नाम था मियां बरहुद्दीन। ये अफगानिस्तान से आए थे। 1838 में साईं बाबा का जन्म हुआ। कहां हुआ? अहमदनगर की एक वेश्या, उसके पास में इसका बाप मियां बरहुद्दीन जो था वो डकैतों का ग्रुप चलाता था हिंदुस्तान में, लुटेरों का। तो वो अहमदनगर की एक वेश्या के पास रहने लग गया। उससे दो संतानें हुई, एक लड़की और एक लड़का। लड़के का नाम रखा चांद मियां, और यही व्यक्ति, इसको साईं बाबा आप बोलते हो। जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो झोली फैलाने का काम, फेरी लगाने का काम इसको सौंपा 6 साल की उम्र से। 12 साल की उम्र तक इसने झोली घुमाई और रेकी करता था कि कौन से घर को लूटना है। कभी आप देखते हो चद्दर घुमाते हुए, ये काम इनके पास था। 12 साल की उम्र में साईं बाबा पकड़ा गया अंग्रेजों की जेल में। 8 साल तक डकैतों के ग्रुप के साथ ये पकड़ा गया था और 8 साल तक अंग्रेजों की कैद में रहा। इसका बाप भाग गया था, फिर इसके बाप ने अंग्रेजों से समझौता करके छुड़वाया, तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हारे लिए करेंगे, तुम्हारे लड़के को छोड़ देंगे। क्या काम है? बोले कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हमें जीतना है। इसके बाप ने हां करी, वो व्यक्ति इसका बाप झांसी में चला गया और रात को गेट खोला, उसने झांसी की रानी को मरवाने का काम उसमें सहयोग किया इसके बाप ने। 18 साल की उम्र में अंग्रेजों से समझौता हुआ साईं का, तो साईं को भेजा, पूना में भेजा गया। लोकमान्य तिलक के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए इसको प्रोजेक्ट करके अंग्रेजों ने भेजा पूना में, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इतने चतुर थे, वो समझ गए कि ये पाखंड रचा रहा है, ये दुनिया को भटकाएगा। लोकमान्य तिलक ने चौराहे पर पटक करके अपनी जूती से पीटा इस आदमी को। वो जूती पहनते थे आगे से तीखी तीखी सी, उस नीचे पटक करके पीटा और कहा फिर कभी यहां दिख गया तो जान से मार दूंगा। तो ये आदमी वहां से भागा, बिल्कुल पाखंड का रूप इसने धारण किया। लोगों को ठगने के लिए मैं भूत प्रेत जानता हूं, मैं तंत्र मंत्र जानता हूं, मैं ये करूं, मैं बेटा दूंगा, मैं आरोग्य दूंगा, मैं पैसा दूंगा, ए पाखंड। फिर ये व्यक्ति शिरडी में आया 20 साल की उम्र में। शिरडी में क्यों, बंबई में क्यों नहीं? क्योंकि शिरडी में उस क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर हुए थे, वहां के लोग बड़े श्रद्धावान थे, भावुक थे, तो सोचा कि मेरी दुकान चल जाएगी। वहां पर ये आदमी आया और आकर के धीरे धीरे इसने अपना अड्डा जमाया। रोज ये कुरान का पाठ करवाता, इसका शिष्य था अब्दुल बाबा, कुरान का पाठ करवाता। अपने हाथों से बकरा काट करके, अपने हाथों से बकरा काट करके चावल में मिला करके प्रसाद बांटता, कोई नहीं लेता तो गंदी गंदी गालियां देता। एक बार तो ऐसा हुआ, काका साहेब दीक्षित एकादशी के दिन उनसे बोला कि बकरा लाओ। उन्होंने कहा मैं तो ब्राह्मण हूं, तो गालियां दी, जबरदस्ती मंगवाया और बना करके उसका ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट किया, उसको भी बोले खा। एक बार तो ऐसा हुआ शिरडी में हैजा फैल गया, तो वहां के पंचों ने कहा कि ऐसा करो कि कोई जीव हिंसा मत करना ताकि हैजा कंट्रोल में आ जाए।
सबने जीव हिंसा बंद कर दी, लेकिन इसने कहा मैं तो काटूंगा। बकरा अपने हाथों से काटता, काट करके चावल में मिला करके सबको प्रसाद बांटता, बोले मैं तो मुसलमान हूं। ये आदमी महीनों महीनों नाता नहीं था, संडास जाने का डिब्बा उसी से ये आदमी पानी पीता, चिलम पीता था। सन 1887 में इसको दमे की बीमारी हुई चिलम की वजह से। अपनी दमे की बीमारी ये जिंदगी में कभी ठीक नहीं कर पाया, और 1918 में 3 दिन दमे का इसको अटैक आया, और 1918 में दशहरे का दिन था, उस दिन ये आदमी मर गया। अब मुझे एक बात बताइए, न तो इसने कोई प्रतिभा थी, न इसमें कोई भक्ति थी, न इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना था। जिंदगी भर ये हिंदू देवी देवताओं को गालियां देता था, जो आपको साई राम ओम साई, ये जो ये तो बाद में जोड़े गए केवल मूर्ख बनाने के लिए। 1957 तक इसकी जो कब्र थी जहां आज मंदिर बना हुआ, यहां केवल मजार थी इसकी। यहां पर अब्दुल बाबा इसका मजार का पैसा लेता था, लेकिन वो मर गया। तब हरी सीताराम दीक्षित नाम के कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने इस मजार को अपने कंट्रोल में किया और पैसा लेना शुरू किया। फिर पाखंड की शुरुआत हुई, इंडोनेशिया से ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र चला कि हिंदू मंदिरों को कैसे बर्बाद किया।